हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां जाके लेके जाने ताकि आपको वहां जाके दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको यहाँ पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी से सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कमेंट करा इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है, अन्यथा हम ये वीडियो नहीं बनाते। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको यहाँ क्या क्या चाहिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन मस्ट सबमिट सेल्फ असिस्टेड एलिजिबल कॉपीज ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन सपोर्ट ऑफ इन्फॉर्म गिवन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स अबाउट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड प्रूफ ऑफ एज प्रूफ ऑफ कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी जैसे आपने फॉर्म भरा था एस सी एस टी ओ बी सी पी एच पी डब्ल्यू डी ई एक्स एस इन द फॉर्मेट एज गिवन इन द नोटिस जो आपको वहाँ पर नोटिस बता रखा है वैसे ही आपको फॉर्म सबमिट करना है जो इस एप्लीकेशन में पूरा दे रखा है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटीज अदरवाइज देयर कैंडिडेट इज लाइलेबल टू रिजेक्ट एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अगर दोस्तों आप उस फॉर्मेट पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। दिस शैल बी पोजिशन टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा उस टाइम अपनी सारी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, और कम से कम दोस्तों आप जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसकी अच्छे से कॉपी करा के ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कॉपीज़ आप जरूर लेके जाए ताकि अगर वो और मांगे अगर आपसे कोई ख़राब हो जाए तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना है। 3 से 4 कॉपीज़ आप बढ़िया एकदम फोटोकॉपी करवा के जरूर लेके जाए वहाँ पे। इन सपोर्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन गिवन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है। फिलिंग विद देयर कैंडिडेट्स इज़ लाइलेबल टू कैंसिल्ड at that very stage at the subsequent stage candidate are warned that they will derivate from the examination conduct by the examination as per rules in caste they fraudulently claim SC/ST/OBC status or submit false certificates documents mark sheet claims reservation age election admission to these categories or in support of essential qualification experience age proof। अगर दोस्तों आप वहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट जो गलत प्रूफ करवाते हो तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है वहाँ पर, ये देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं आप लोग, जो कास्ट सर्टिफिकेट है जैसा फॉर्मेट बता रखा है उसी फॉर्मेट में ले जाना आपका जो भी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो आप, जहाँ पर आप अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो वहाँ पे एज देखने के लिए। एज देखने के लिए वैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट ठीक है, और आप जो है पैन कार्ड आधार कार्ड अपना और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप जरूर लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हो आप, अंडरलाइन करके बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म को लाना ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हो वहाँ पर, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका ज़रूरी है वहाँ पर लेके जाना। एज सर्टिफिकेट भी आप बनवा के ले जा सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, ये कुछ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा हुआ है। उसके बाद आपको 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड ले जा सकते हैं आप लोग, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड भी। और दोस्तों, कम से कम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल के साथ साथ 3 से 4 फोटोकॉपीज जरूर लेके जाए ताकि आपको वहाँ पे जाके दिक्कत ना आए। आप चाहे तो 3 से 4 या 5 भी ले जा सकते हैं हर एक की, ताकि वहाँ जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। और जो फ़ोटोज़ है क्लियर आनी चाहिए आपकी, और जो फ़ोटोज़ हैं आप अच्छे ढंग से लेके जाए अपनी, ताकि आपको पहचानने में वहाँ जाके कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये सब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है, आगे देख लेते हैं। देख लो दोस्तों, आप चाहते तो नोटिफिकेशन भी पढ़ लेते, हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई छात्रों ने हमें कमेंट करा तो इसीलिए हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने फेज 6 का एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो आपका फॉर्म है अगर कोई भी आप दिक्कत करते हो वहाँ पे, तो आपको कैंसिल और रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे जो भी क्या है उसके बारे में। अगर आपको और भी कोई
सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता रखा है आपको यहाँ पे, डॉक्यूमेंट हमने आपको बताई दिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पर। तो दोस्तों यही कुछ वीडियो थी आपके लिए और डॉक्यूमेंट हमने बताई दिए। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।